Hello, children. Welcome back to our online class. This is Zoya Akhtar, your GK teacher, and children. As you can see on your screen, that we have opened the chapter number twenty from your GK syllabus. That is in the garden. It means we have uh, we are going to talk about some insects' name, and we will uh, talk about some features of insects okay in this chapter we will give in some uh, clues about the insects and uh, we have to re, uh, write the names of the that insects okay hum logon ko is chapter mein kuch insects ke baare mein bataya jayega aur ka figure aur uske clues unke name mention okay so get, let's get going the first one is i like to live in dirty places it is the quality of that इंसेक्ट ओके इस इंसेक्ट की क्वालिटी क्या है कि ये कहाँ पसंद करता है रहना डर्टी प्लेसेस पे ओके लाइक गारबेजेज डस्ट ओके सो इट इज़ कॉल्ड कॉकरोच वट इज़ द नेम ऑफ दैट इंसेक्ट कॉकरोच हाँ यू कैन सी वन मोर थिंग दैट देर आर देर इज़ मैंशन सम लेटर्स ऑफ दैट नेम उस नेम के कुछ लेटर्स यहाँ मैंशन है आपको फिल करना है सिर्फ ठीक है सो इट इज़ कॉकरोच यू कैन सी आई हैव मैंशन हेयर ओके काक्रोच सी ओ सी के आर ओ ए सी एच देन नेक्स्ट वन इज आई जंप अराउंड इन द ग्रांस ग्रास इनकी क्या क्वालिटी है बेटा दैट इट जम्प अराउंड द ग्रास इन द ग्रास ठीक है ये क्या करते हैं ग्रास में हेयर एंड हेयर जम्प करते हैं ओके वंडर करते हैं तो इनका नाम क्या है ग्रास हॉपर क्या नाम है ग्रास हॉपर ठीक है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं लाइक दैट ओके वेरी गुड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ आई डिस्टर्ब यू स्लीप एट नाइट एंड समाइम्स माई बाइट कैन मेक यू सिक यू ऑल नो वेरी वेल दैट हु कैन डिस्टर्ब अस वाई लाइफ वी वी आर स्लीपिंग जब हम लोग सो रहे होते हो तो हमें कौन डिस्टर्ब करता है ऑब्वियसली मॉस्किटो बहुत परेशान करते हैं ना बच्चे क्या करते हैं ये लोग हमें कभी कभी काट कर सिक भी कर देते हैं बीमार भी कर देते हैं लाइक आपको अगर फ़ीमेल एनोफलीज मॉस्किटो काट लेती है तो आपको मलेरिया हो जाता है इसी तरह से ये बहुत सारे मच्छर ऐसे होते हैं जिनके काटने से हमें अलग अलग टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं ठीक है तो ये क्या इनकी क्वालिटी है कि ये हमें सोते वक्त डिस्टर्ब दि, कर देते हैं और हमें कभी कभी बीमार भी कर देते हैं तो दे आर मॉस्कीटोज़ कौन है बेटा ये मॉस्किटो हैं ओके नेक्स्ट वन इज़ आई कैन सॉरी आई कैरी अ लाइट विथ मी एंड यू कैन सी मी इन द डार्क यू ऑल नो दैट दर इज़ अ इंसेक्ट ओके which कैन प्रो प्रोड्यूस लाइट ऐसे भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ना जो जिनके अंदर से लाइट खुद प्रोड्यूस होती है ठीक है वो जलते हैं तो उनका क्या नाम है बेटा फायर जिसको आप जुगनू कहते हो अपनी लैंग्वेज में ठीक है हम इनको डार्क में भी अंधेरे में भी देख सकते हैं तो ये कौन होते हैं कौन से इंसेक्ट हैं ये फायर फ्लाई ओके इनका नाम होता है फायरफ्लाई देन आफ्टर द नेक्स्ट वन इज़ माई विंग्स आर ऑफ़ ब्यूटिफुल कलर्स इट मीन्स दिस इंसेक्ट हैज़ सो मेनी कलर्स ऑफ विंग्स मतलब इसमें जो विंग्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं ब्यूटीफुल होते हैं तो ये कौन है यू नो वेरी वेल दैट इट इज़ बटरफ्लाई ओके ओके द नेक्स्ट वन इज इट सॉरी आई सेट ऑन योर फूड एंड मेक इट डर्टी इट मीन्स वेन दिस इंसेक्ट सिट ऑन योर फूड विच आर यू विच यू आर टेकिंग देन इट विल बी डर्टी क्या हो जाएगा वो फूड डर्टी हो जाएगा ठीक है अगर ये uh, इंसेक्ट आपके खाने पर बैठ जाए तो वो क्या हो जाता है बेटा डर्टी हो जाता है तो उसको ये कौन सा इंसेक्ट है ऑब्वियसली हाउस फ्लाई जिसको आप मक्खी कहते हो मक्खी के बैठने से हमारा फूड डर्टी हो जाता है ना बेटा यस सो दी दीज आर द नेम्स ऑफ इंसेक्ट्स विच यू हैव टू Uh, do in your book properly okay next one is fact bite it is a very important topic so you all have to know about that इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स एंड थ्री बॉडी पार्ट्स देखिए इंसेक्ट्स के पास बेटा कितने लेग्स होते हैं सिक्स लेग्स होते हैं और बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं थ्री मोस्ट ऑल्सो हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स और ज़्यादातर इंसेक्ट्स के पास दो पेयर विंग्स भी होते हैं स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स स्पाइडर आपके इंसेक्ट नहीं स्पाइडर्स हैव एट लेग्स एंड जस्ट टू पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज क्योंकि स्पाइडर्स के पास एट लेग्स और सिर्फ टू बॉडी के पार्ट होते हैं that's why spiders are not insects okay so these are the fact about insects and uh, this is a lesson about insects so enjoy the video have a good day bye